जान की कीमत क्या हो सकती है? इस सवाल के अलग अलग जवाब होंगे, मगर सवाल का सटीक जवाब आज हम आपको देंगे। जान की कीमत एक स्कूटी है, और कोई जरूरी नहीं वो स्कूटी नई हो, स्कूटी पुरानी भी हो सकती है। 35,000 जिसकी कीमत हो सकती है, जी हाँ, यही कीमत है किसी की जान की। देखिए जमशेदपुर से आई इस रिपोर्ट को। मांगो की बेटी नाजिया की हुई कपाली के सैफ से शादी। 3 महीने पहले हुई थी धूमधाम से शादी। लड़के वालों ने की स्कूटी की डिमांड। गरीब पिता ने नई नहीं पुरानी स्कूटी देने का किया वादा। फरवरी 2021 में स्कूटी देने का दिलवाया भरोसा, मगर लड़के को आज के ही आज चाहिए थी स्कूटी। 20 दिसंबर को मिली बेटी की लाश, गले में फंदे और चोट के निशान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। हाँ, जान की कीमत एक स्कूटी, नई नहीं तो पुरानी ही सही, मगर स्कूटी, यह आरोप लगाया है नाजिया के परिजनों ने। नाजिया के गले में फंदे का दाग और चोट के निशान, चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि नाजिया ने आत्महत्या नहीं की है, बड़ी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा गया है। शादी के वक्त की तस्वीर भी गवाही देती है कि नाजिया खुश थी, मगर एक अदद स्कूटी ने उसकी हस्ती खेलती दुनिया को लूट लिया, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया और पीछे छूट गए रोते बिलखते अफसोस करते उसके परिजन। नाजिया के पिता वसीम ने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए कई अरमान सजाए थे, अपनी औकात से बढ़कर शादी में इंतजाम किया था, बेटी को हर वो चीज दी थी जिससे उसका गृहस्थ जीवन सुकून से गुजरे, मगर उन्हें कहां पता था कि दहेज के लोभियों के लिए नाजिया का प्यार, सारे साजो सामान कम पड़ेंगे। हमको तो बस यही है कि जिससे बार बार टॉर्चर किया जाता था, बार बार ये बात बोला जाता था कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुमको मार भी सकते हैं, धमकी दिया जाता था, लेकिन ये आदमी सोचता था कि नहीं, मजाक में किया जाता है आदमी, बच्चों से पैसा, गार्जियन से पैसा वसूल करने के लिए आदमी भी टॉर्चर करते रहता है। यही सोचकर हम लोगों ने एक दो दफ़े तो अनकेयर किया, उसके बाद हमारा बेटा और बेटी के सामने बैठ के वहाँ पे लोग तो बातचीत किया, हमने गाड़ी देने के लिए एक्टिवा की, पुराना गाड़ी नया तो नहीं दिला सकते बाबू, पुराना हम 35,000 में दिला देंगे, लेकिन फरवरी महीना में, तो बोला ठीक है। उस टाइम तो 2-4-10 दिन मामला सुधरा हुआ था, फिर बीच में इधर अचानक होने लगा, रात में अचानक फ़ोन आया कि हम बेटी को फ़ोन किए कि बेटी कैसी हो, तो बेटी बोली हाँ पापा बहुत बढ़िया है, खाना उन्होंने खा लिया, हाँ पापा खाना खा लिया, सारा बात बयान करने के बाद रोने लगी। हमें लगा क्या हुआ, बोलो वही गाड़ी का मसला आ गया, या तो गाड़ी दिलाओ नहीं तो तुम अपना पूरा जेवर दो, हम उसको बंधक रखेंगे या बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमको बहुत धमकी दे रहे हैं। तो बोला ठीक है, अपने अम्मी तो पापा बात मत करो नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो हम लोग बोला ठीक है, होता रहता है, ख़त्म करो बात। अचानक रात में 3:26 में मेरे मोबाइल में कॉल आता है कि आप जितना जल्दी हो सके आइए। कहा हुआ भाई, आपकी बेटी बेहोश पड़ी है, उसको बाथरूम में हो गया बिस्तर में। जब हम वहाँ गए तो ऐसा मैंने देखा, और यहाँ लाने के बाद डॉक्टर ने उसे
मुर्दा करार दे दिया। नाजिया की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि तभी उसका सबसे प्यारा सपना टूटा। वो तो किस्से कहानियों में सुनी हुई जिंदगी की तलाश में थी, मगर उस मासूम को कहां पता था कि असल जिंदगी लालच और फरेब से भरी हुई है। जब तक मासूम नाजिया समझ पाती कि इंसान के प्यार से कहीं ज्यादा कीमत सामानों की है, स्कूटी की है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। उसी का रुपट्टा उसकी मौत की वजह बन गया। हालांकि उसकी मौत को हादसा बताने की पूरी कोशिश की गई। सर हम सोए हुए थे, सर हम सोए 3 बजे उठे पेशाब के लिए, तो देखे उसका गले में दुपट्टा फंसा हुआ था सर टाइट से, और लेटी होती पहले इधर सोती थी सर के, अब उधर करके पांव सर था इधर, उसका पांव था मेरा सर तरफ। हम वैसे हाल में उसको देखे ऐसे पड़ा हुए थे पलंग में, उसका नीचे हाथ उसका जा रहा था सर। घर में कौन कौन रहता था तुम्हारा? हम ऊपर सोते थे सर, ऊपर में हम लोग का पर्सनल रूम था अपना, छत के ऊपर। नहीं सर हम नहीं देखे। ऐसा कुछ तो नहीं था सर, हम देखे भी नहीं। अच्छा। हम देखे तो वैसी थी सर। वसीम खान जो 12 रोड नंबर 12 मानगो के रहने वाले हैं, उनके बेटी उनको कपाली थाना अंतर्गत शादी 3 महीना पहले किए थे, उसके बाद से वो लोग प्रताड़ित करते थे, और दिनांक 20 तारीख को एम में उन लोग उनके दामाद द्वारा सूचना मिला कि बेटी उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है, तो उन लोग गए देखने कपाली, तो लोग देखेंगे और एमजीएम हॉस्पिटल लेकर आए। एमजीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर द्वारा घोषित मृत घोषित कर दिया। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा जा रहा है। क्या आरोप है इन लोग का? इन लोग का आरोप है कि इनके दामाद द्वारा इनको मारा गया है, यही बताया गया है। दामाद को जांच के लिए लिया गया है, थाना लिया गया है। बाकी अपना छानबीन कर, बाकी बात छानबीन कर कार्रवाई किया जाएगा। नाजिया का गुनाहगार सलाखों के पीछे है, हो सकता है उसे सजा भी मिल जाए। तो क्या इससे नाजिया और उन तमाम नाजिया जैसी लड़कियों को इंसाफ मिल जाएगा जिनसे सिर्फ इसलिए जीने की वजह छीन ली गई क्योंकि उन्होंने दहेज में मनचाहा डिमांड पूरा नहीं किया? जवाब ना ही होगा। जरूरत इस बात की है कि हम दीवारों की प्रथा को तोड़े और पड़ोस में झांक कर जरूर देखें कहीं किसी बेटी पर जुल्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी भी है।